स्वागत है आपका मगन इस तारीख का जो गई है 2 नवंबर 2022 दिन है बुधवार हिंदी तिथि कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की नवमी। आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर के तमाम बड़े काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आदर लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर से दबा दे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों के तब दोस्तों पहले जान लेते हैं आज के दिन का महत्व। तो कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को अक्षय नवमी भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन से द्वापर युग आरंभ हुआ था। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध भी किया था और धर्म की स्थापना की थी। आज के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने से विशेष लाभ होता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे खबरों की तब। तो पहली बड़ी खबर देखिए, आम आदमी के लिए बड़ी खुशखबरी, 2 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा पेट्रोल और डीजल। आम आदमी के लिए बहुत ही यहाँ पर अच्छी खुशखबरी निकल कर आई। दरअसल देश के अंदर जल्द ही पेट्रोल डीजल की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर तक की कटौती की जाएगी। वही सूत्रों के माने तो पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो आज से ही घटना शुरू होंगे। हालांकि 2 रुपए की कटौती धीरे धीरे की जाएगी। इस कड़ी में पहले दिन 40 पैसे की प्रति लीटर की कटौती होगी। पेट्रोलियम मंत्रालय के सूत्रों के माने तो पेट्रोल डीजल में सिलसिलेवार ढंग से जो कटौती है वो की जाएगी। वही पेट्रोल डीजल की कीमतों में 40 पैसा प्रति लीटर की यहाँ पर जो कमी है वो आज से यहाँ पर की जाएगी। नई कीमतें जो है वो सुबह 6 बजे से प्रभावी होगी। वही दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अभी 96 रुपये और 72 पैसे है। वही मुंबई में इसकी कीमत 106 रुपये और 31 पैसे प्रति लीटर है। वही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और कुछ समय के लिए स्थिर रहने के कारण कीमतों में गिरावट की उम्मीद थी। वही कच्चे तेल की कीमत लंबे समय से यहाँ पर $55 प्रति बैरल से नीचे बनी हुई है। वही बेंचमार्क बुकर जिसकी कीमत है उसमें सोमवार शाम को ये $52 प्रति बैरल के आसपास ही रही थी। इससे कीमतों में यहाँ पर इससे जो कीमत है उसको कम करने का सपोर्ट मिला है। वही पेट्रोल डीजल की कीमतों में गिरावट 6 महीने से ज्यादा समय तक स्थिर रहने के बाद अब आई है। बता दें आपको कि आखिरी बार पेट्रोल डीजल के भाव में बदलाव 7 अप्रैल को हुआ था। इसके बाद 22 मई से केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी में कटौती की, जिससे दिल्ली में पेट्रोल का दाम जो है वो घटकर 96 रुपये 72 पैसे पर आ गया था। बात करते हैं अगली खबर की। तो सरकार के लिए अच्छी खबर देखिए, मोदी सरकार की कमाई में जोरदार उछाल, अक्टूबर में जीएसटी कनेक्शन का बना है 2रा बड़ा रिकॉर्ड। सरकार की कमाई जो है बड़ी है ये हम नहीं कह रहे, बल्कि जीएसटी संग्रह के जो आंकड़े हैं वो खुद बता रहे हैं। दरअसल वित्त मंत्रालय की ओर से मंगलवार को जारी आंकड़ों पर नजर डालें तो अक्टूबर 2022 में जीएसटी का जो कनेक्शन है वो बढ़कर 1,52,000 करोड़ रुपए के स्तर तक पहुंच गया है। इस साल ये अप्रैल के बाद 2रा सबसे बड़ा कनेक्शन है। वही सरकारी डाटा के मुताबिक अक्टूबर 2022 में कुल जो सकल जीएसटी संग्रह है वो 1,51,718 करोड़ रुपए रहा है, जिसमें CGST जो है 26,039 करोड़ रुपए रही है। वही स्टेट जो SGST है वो 33,396 करोड़ और एकीकृत GST जो है वो 81,778 करोड़ रुपए रही है, जो वस्तुओं के आयात पर एकत्रित यहाँ पर 37,297 करोड़ रुपए सहित शामिल है। बता दें आपको कि इससे पहले यहाँ पर सितंबर में हुए जीएसटी कनेक्शन की तुलना में ये कहीं ज्यादा है। सितंबर के अंदर जो जीएसटी कनेक्शन था वो 1,47,000 करोड़ रहा था। वही अगर पिछले साल के समान अवधि की ताजा आंकड़ों की बात करें तो पिछले साल में ये 1,30,000 करोड़ रुपए से अधिक यहाँ पर रहा था। लगातार 6 महीने से जो सरकार को जो रिकॉर्ड जीएसटी कनेक्शन है वो मिल रहा है। बात करते हैं अगली खबर की। तो आम आदमी के लिए राहत की खबर देखिए, देश में अब नहीं बढ़ेंगे चीनी के दाम, कीमतों को थामने के लिए सरकार उठाने जा रही है बड़ा कदम। केंद्र सरकार देश में चीनी के रेट पर कड़ी नजर यहाँ पर रख रही है। वह चीनी के दामों में यहाँ पर चीनी के जो दाम है, शक्कर के जो दाम है, उसे बढ़ने से रोकने के लिए सरकार योजनाबद्ध जो तरीका है वो अपनाना शुरू कर दी है। दरअसल सरकार घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए रेट को नियंत्रित करने के लिए सितंबर 2023 तक चीनी के निर्यात में कटौती कर सकती है। वही सूत्रों के अनुसार सरकार 2021-22 में चीनी के निर्यात कोटे को 11.2 मिलियन टन से घटाकर 9 मिलियन टन कर सकती है। वही भारत दुनिया में चीनी का 2रा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। बता दें आपको कि मनी कंट्रोल ने ब्लूमबर्ग के हवाले से बताया है कि सबसे बड़े निर्यातक ब्राजील में बारिश होने के कारण गन्ने की पेराई धीमी होने से चीनी की वैश्विक आपूर्ति में गिरावट आई है। मामलों की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने बताया है कि नई दिल्ली पहले सिर्फ 8 मिलियन टन चीनी निर्यात की अनुमति देने का मन बना रही थी, लेकिन अब चीनी के घरेलू सप्लाई भंडार के ज्यादा होने की संभावना से थोड़ी ज्यादा चीनी निर्यात को अनुमति मिल सकती है। अगली खबर की। तो महंगाई से राहत को लेकर बड़ी खबर देखिए, कमर्शियल गैस सिलेंडर 115 रुपए हुआ है सस्ता।
सरकारी तेल कंपनियों ने कल सुबह एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बड़ी कटौती की। दरअसल तेल कंपनियों ने कल जारी एक कमर्शियल गैस सिलेंडर के भाव में 115 रुपए की कटौती की। इसके बाद दिल्ली मुंबई सहित देश के सभी प्रमुख शहरों में जो कमर्शियल गैस सिलेंडर है उसके भाव अब नीचे आ गए हैं। हालांकि घरेलू गैस सिलेंडर का भाव जो 6 जुलाई 2022 के बाद जो है वो वैसे ही रहा है, उसमें कोई बदलाव यहाँ पर नहीं हुआ है। यानी घरेलू गैस सिलेंडर में कोई किसी तरह की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जैसा कि आपको पता है कि तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती है, वही कल भी इस समीक्षा के बाद कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों को घटाने का फैसला किया। वही कल यानी 1 नवंबर से ही कमर्शियल गैस सिलेंडर की जो कीमत है उसमें 115 रुपये 50 पैसे इसको यहाँ पर सस्ता किया गया, यानी कीमतें घटाई गई है। वही नई कीमत 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर पर लागू होती है, जबकि 14 किलो और 200 ग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर के जो दाम हैं फिलहाल स्थिर रखे गए हैं, यानी पहले जितने थे उतने रहेंगे। वही सरकारी तेल कंपनियां जुलाई से ही कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में लगातार कटौती कर रही है। यह लगातार 5वां महीना है जब इसके जो रेट है वो नीचे आए हैं। वही ताजा कटौती के बाद राजधानी दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की जो कीमतें हैं वो कीमत घटकर 1744 हो गई है। इसके अलावा मुंबई में कमर्शियल गैस सिलेंडर 1696 रुपये और कोलकाता में 1846 और चेन्नई में इसके दाम 1893 रुपये पहुंच गया है। इससे पहले सरकारी तेल कंपनी ने जुलाई में कमर्शियल गैस सिलेंडर में 8.5 रुपये और अगस्त में 36 और सितंबर में 91 रुपये और अक्टूबर में 25 रुपये की यहाँ पर जो कटौती है वो यहाँ पर की है। वहीं एक तरफ सरकारी तेल कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में लगातार 5वें महीने कटौती कर रखी है, जबकि घरेलू गैस सिलेंडर के भाव को स्थिर रखा है। वहीं दिल्ली में जो 14 किलो 200 ग्राम में घर में खाना बनाने वाला गैस सिलेंडर उसकी कीमत 1053 है। वहीं मुंबई में 1052 और चेन्नई में इसके दाम 1068 रुपये हैं, यानी जो पहले जो दाम थे वही यहाँ पर फिलहाल स्थिर रखे गए हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो एंड्रॉइड फोन का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर, देखिए ये 5 एंड्रॉइड एप्स खाली कर रहे हैं लोगों का अकाउंट, चुरा रहे हैं बैंकिंग डिटेल। अगर आपके पास भी एंड्रॉइड स्मार्टफोन है तो अब आपको सतर्क रहने की जरूरत है। दरअसल आप लोगों की जानकारी के लिए आपको बता दें कि कुछ ऐसे मोबाइल एप्स के बारे में ऐसा पता चला है जो बैंकिंग के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। एक कंप्यूटर सपोर्ट फॉर्म है थ्रेट फाइबिक, उसने अपनी एक रिपोर्ट में कुछ खतरनाक एप्स के बारे में जानकारी दी है जिन्हें यूजर्स को तुरंत अपने फोन से डिलीट या फिर अनइंस्टॉल कर देना चाहिए। दरअसल रिसर्चर्स ने एक फाइनेंशियल वायरस का पता लगाया है जो एंड्रॉइड स्मार्टफोन को प्रभावित कर रहा है। वही आप लोगों की जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये वायरस यूजर्स की निजी जानकारी जैसे कि कॉल लॉग है, इसके अलावा इन इन्फो अकाउंट नंबर और अन्य वित्तीय जानकारी चुरा रहा है। वही अगर आप भी यहाँ पर जो एप्स है 5 एप्स वो अगर आपके फ़ोन में है तो आपको तुरंत इसे यहाँ पर डिलीट करना चाहिए, अनइंस्टॉल करना चाहिए। जो रिपोर्ट में जो 5 ऐपों के नाम दिए गए उनमें पहला है कोडिक फिशकेयर 2022 और इसके अलावा रिकॉर्ड ऑडियो इमेज एंड वीडियोज, ये एक ऐप है अगर आपके फ़ोन में, इसको भी यहाँ पर अनइंस्टॉल करें। इसके अलावा फाइल मैनेजर स्मॉन और लाइट, अगर आपके पास ये ऐप है तो इसको भी आप अनइंस्टॉल कर लें। इसके अलावा जेटेन ऑथेंटिकेशन और 5वीं जो ऐप है वो माई फाइनेंस ट्रैकर, ये ऐप है। अगर ये 5 ऐपों में आपका कोई भी ऐप आपके फ़ोन में है तो आप तुरंत इसे यहाँ पर डिलीट कर दें। बता दें आपको कि ये वायरस जो ये ऐप है उसमें ये वायरस पाया गया है। ये अभी यहाँ पर ऐप ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इटली और स्पेन और जर्मनी, पोलैंड जैसे देशों में यूज़ को अपना शिकार बना रहा है। बात करते हैं अगली खबर की। तो सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, देखिए 1 नवंबर से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आई है गुड न्यूज, फिर बढ़ेगा 4% महंगाई भत्ता। 1 नवंबर की सुबह केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर आई है। दरअसल उनके लिए एक गुड न्यूज आई, दरअसल महंगाई भत्ते में एक बार फिर 4% का उछाल देखने को जो है केंद्रीय कर्मचारियों को मिल सकता है। दरअसल ये सारा जो है महंगाई के आंकड़े कर रहे हैं। दरअसल जो AICPI के जो इंडेक्स है उस इंडेक्स में जो आंकड़े हैं उसमें जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। हालांकि कर्मचारियों को ये तोहफा नए साल या 2023 में मिलेगा। वही जो अगला जो DA बढ़ोतरी का यानी DA जो बढ़ोतरी है वो जनवरी 2023 में होनी है, लेकिन इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए महंगाई का आंकड़ा ये जो है वो इसी ओर इशारा कर रहा है कि 4% ये बढ़ेगा। दरअसल एक्सपर्ट की माने तो मौजूदा हालातों को देखते हुए 4% का ही इजाफा होगा, लेकिन अभी महंगाई पर नजर बनाए रखनी होगी। वही RBI लगातार महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश में लगा है। वही केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का तोहफा अगले साल अब मिलेगा। ये 1 जनवरी 2023 से लागू होगा, लेकिन इसका ऐलान मार्च 2023 में होली के आसपास होगा।
वही 4 फीसदी का उछाल के साथ ही महंगाई भत्ता जो है 42 फीसदी पहुँच जाएगा। वही मिनिमम बेसिक सैलरी पर कुल 720 रुपए प्रति महीना इजाफा होगा। वही अधिकतम सैलरी रेंज के लिए 2276 रुपए प्रति महीने बढ़ेंगे। दरअसल लेबर मिनिस्ट्री और इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर्स यानी AICPI के आंकड़े यहाँ पर जारी किए हैं। वह सितंबर में ये आंकड़े 131.2 रहा है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो टैक्स पेयर्स के लिए बड़ी खबर देखिए। आईटी डिपार्टमेंट ने जारी किया है कॉमन आईटीआर फॉर्म का ड्राफ्ट, अब टैक्स भरना होगा आसान। इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले टैक्स पेयर्स के लिए बड़ी खबर है। दरअसल केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जो है वो CBDT उसने कॉमन आईटीआर फॉर्म का ड्राफ्ट जो है वो जारी किया है, यानी इसका जो ड्राफ्ट है वो जारी किया है। कॉमन आईटीआर आने से लोगों को टैक्स फाइलिंग में आसानी होगी। वे CBDT ने 15 दिसंबर तक कॉमन आईटीआर फाइल ड्राफ्ट के ऊपर जो राय है वो मांगी है। वही CBDT के मुताबिक आईटीआर 1 और आईटीआर 6 तक कॉमन फॉर्म होगा। वह लेवल इसमें यहाँ पर केवल आईटीआर 7 ही अलग होगा। वही आईटीआर 1 और आईटीआर 4 भी यहाँ पर जारी रहेगा ताकि लोग जो है यहाँ पर पुराना को भी जारी रख सके। भाई कॉमन आईटीआर आने से लोगों को टैक्स फाइल करना आसान होगा, ऐसा शेड्यूल देखने की जरूरत नहीं होगी कि उन पर लागू नहीं है। वह नए कॉमन आईटीआर में ज्यादा से ज्यादा चीजें पहले से यहाँ पर भरी होगी। वह कुछ सवालों का जवाब देकर यहाँ पर जवाब के आधार पर गैर जरूरी शेड्यूल है वो आप नहीं कर पाएंगे। वही CBDT ने 15 दिसंबर 2022 तक ड्राफ्ट कॉमन आईटीआर पर जो राय है वो मांगी है। बात करते हैं अगली खबर की, तो क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास है तो आपके लिए खुशखबरी। दरअसल जो जिसके पास फेडरल बैंक का क्रेडिट कार्ड है उनके लिए बैंक ने खास तोहफा दिया। दरअसल क्रेडिट कार्ड पर अब 3 लाख रुपए का जो लाइफ इंश्योरेंस है वो फ्री मिलेगा। दरअसल अगर आप भी फेडरल बैंक के ग्राहक है तो आपके लिए खुशखबरी सामने आई। दरअसल बैंक ने अपने क्रेडिट कार्ड यूजर्स को बड़ा तोहफा दिया है। बैंक के क्रेडिट कार्ड यूजर्स को अब एक ग्रुप क्रेडिट शील्ड की सुविधा मिलेगी। सील के तहत यूजर्स को क्रेडिट लिमिट के बराबर अधिकतम 3 लाख रुपए तक का जो लाइफ इंश्योरेंस कवर है वो मुहैया कराया जा रहा है। इसके लिए फेडरल बैंक ने जो यहाँ पर फेडरल बैंक ने एजिस फेडरल इंश्योरेंस के लिए साथ यहाँ पर इससे यानी एजिस के साथ इसके जो पार्टनरशिप है वो की है। फेडरल बैंक ने अपने बयान में कहा है कि ग्रुप क्रेडिट शील्ड एक एक्सक्लूसिव कवर है जिसमें क्रेडिट लिमिट के बराबर यूजर्स को 1 साल में टर्म के लिए अधिकतम 3 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस कवर जो है वो दिया जाएगा।